अब से जो है 4 दिन पहले भी जो है 4 आदमी वहाँ लाल रुमाल जो है डाल करके गए थे मस्जिद में, और उन्होंने ये बात मालूम करी जी जो है काम कैसे चल रहा है और कौन करा रहा है, क्या सब पैसा आ रहा है इसका, इस तरह फंडे की बात करी। मैंने कहा जी जो है इसमें लोग ही चंदा दे रहे हैं, कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, और जब तक लोग देंगे तो काम चलता रहेगा, उस दिन देना बंद करेंगे बंद हो जाएगा काम। फिर वो वहाँ से आ गए थे कौन सा मस्जिद है? मस्जिद शाह विलायत चैरिटेबल सोसाइटी जी, नई मस्जिद कहाँ पे है जी? ये किला के ऊपर है जी। अच्छा, जी कितने लोग आए थे? 4 आदमी थे जी। अच्छा, कुछ तोड़फोड़ की उन्होंने? नहीं, उन्होंने जो है तोड़फोड़ नहीं की। बाकी फिर वो जो है मेरे पास फिर फोन गया सैडी के द्वारा कि जो है कल आप लोग भी अपने जो है आदमी को बुला लेना, और इधर से भी 4-5 आदमी आएंगे, महल्ले वालों ने आपके साथ में जो है कंप्लेंट की हुई आपके खिलाफ। मैंने कहा क्यों भाई, क्या परेशानी है, यहाँ तो कोई मस्जिद में आया नहीं। कह जी आप उनसे बात कर लेना। मैंने कहा महल्ले वाले हैं या और भी कोई है बाहर से? उन्होंने कहा जी जो है अतुल है। फिर जो है आज दोपहर वहाँ से 15-20 लड़के गए जी, और अल्लाह का शुक्र है जो है हमने पुलिस प्रशासन से भी इस बात को रखा था, तो पुलिस फोर्स वहाँ गई थी, उन्होंने उसको जो है अच्छी तरीके से उनको संभाला और वहाँ से जो है यह रुखसत कर दिया। यहाँ पर किससे? ऐसा कोई बात हमारे सामने तो कोई आई नहीं, ना ही हमारे संगठन का कोई व्यक्ति वहाँ पे गया है। अगर कोई मोहल्ले का बंदा जाता है और पूछ लेता है कि भाई कैसा काम चल रहा है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये चंदा कहाँ से आ रहा है, वो जानकारी ले रहे हैं कि चंदा बाहर से आ रहा है, तो फंडिंग सोर्स जिसने है। जिसने ये पूछना है चंदा कहाँ से आया, वो तो आरटीआई भी लगा सकता है। जिसने अगर कोई मंदिर में कोई काम हो रहा है, कोई मस्जिद में या कोई चर्च में काम हो रहा है, अगर किसी को पता करना है कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, वो आरटीआई लगा के पूछ सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे कोई संगठन का व्यक्ति कोई किसी भी जगह पे नहीं गया। और हमारे ही पड़ोस में एक मस्जिद है जो अपना खुद के जगह में वो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कुछ वाहियात लोग जिसमें अतुल चौहान है, जिसको बेवजह दर्द है कि ये जगह पे अपनी जगह पे क्यों बना रहे हैं, जिस जबकि जो इस देश का निवासी है ना और जो उसकी दायरे में वो कुछ भी बना सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो वहाँ हमारे मोहल्ले में कुछ असामाजिक तत्व के तौर पे काम कर रहे हैं, तो मैं पुलिस प्रशासन से अब मिले हैं DSP रोहतास डुलझिया से, और प्रशासन से एक ही अनुरोध है मेरी, तो क्योंकि इस कंप्लेंट में खुद मैं भी प्रार्थी हूँ, तो मेरी प्रशासन से मांग है कि इस वाहियात इंसान अतुल चौहान पे मुकदमा दर्ज कराया जावे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।